हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आए हैं मैथ की अगली वीडियो। इस वीडियो में हम कराने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज चल रही थी तो उसके हमने कहां तक 21 तक सवाल करा दिए हैं, तो आज की वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे 22 सवाल, 23, 24, 25 और 26, यानी इन 5 सवालों को इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा और ऐसा मिलेगा बहुत अच्छा वाला, जो एक एक सवाल आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप कभी इनको भूल ही नहीं पाओगे। तो देखते रहिए। देखिएगा अब सवाल नंबर कौन सा आ जाता है, 22वां सवाल आ जाता है, sec स्क्वायर 7 - 4x। हमने बताया था tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, tan थीटा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लगा देंगे, तो थीटा की जगह पर ये है आपका, इसको मान लो टी, माना 7 - 4x को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब टी मान लिया तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका 0, इसका -4, इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर dx आ जाएगा, इधर dt। और इसका dx की वैल्यू निकालते हो आप तो क्या करते हो, dt/-4। ये चीज़ तो हमने पहले बताई थी, यानी कि जो भी ब्रैकेट में होगा थीटा की वैल्यू होगी उसको आपको टी मान लेना है। टी मान के उसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है, यानी कि अवकलन करने के बाद dx की वैल्यू निकालनी है, और dx की वैल्यू निकाल के फिर से वहीं पर रख देना है। तो देखिएगा ये sec स्क्वायर, ये हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये टी हो गया। dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt/-4 हो गई। अब देखिएगा -4 आपने बाहर ले लोगे आप, -4 मैंने बाहर ले लिया और ये क्या बचा, sec स्क्वायर टी बचा, और sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, tan टी हो जाएगा, प्लस सी -1/4 tan और टी की वैल्यू रख दीजिए आप, 7 - 4x। ये आपका सवाल हो गया। समझ में आया ना यह सवाल, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से समझिएगा, ठीक है। 22 के बाद में आपका जो भी हमने बताया था, जो इनवर्स में होता है फंक्शन, उसको आपको टी मान लीजिए। क्यों? क्योंकि देखना साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो 1 - √(1 - x² होता है, तो कट ही जाएगा। तो वही चीज़ है, यानी कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - x² √(dx/dt), और dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी इधर चली जाएगी, 1 - x² √(dx). ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिएगा तो क्या दिखाई देगा, साइन इनवर्स को तो आपने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 - x² आ गया इंटू, और dx की जगह पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 - x² √(dt). अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे से पूरा का पूरा कट गया, यानी कि अंडर रूट इससे अंडर रूट ये कट गया, तो क्या बचा, टी बचा इंटू dt, और टी का करोगे समाकलन तो क्या हो जाएगा, t/2/2 + c। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वेयर बट्टे 2 + c, ये हो गया आपका आंसर। समझ पाए बातों को, क्यों, क्योंकि ये टी के बारे में फॉर्मूला कौन सा लगा, x की पावर n का समाकलन करते हो तो क्या होता है, x/(n+1)/(n+1), तो यहाँ पे n की जगह पे कितना है, यहाँ पे t^1, तो वो चीज़ हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपका आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं 24वें सवाल पर। 24वां सवाल क्या, 2 cos x - 3 sin x, 6 cos x + 4 sin x। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब यदि नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर वाला कटना चाहिए, और यदि ऊपर वाले को टी मानो तो नीचे वाला कटना चाहिए। आप देखना जरा, पहले इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो नीचे से आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा 2 cos x - 3 sin x, और नीचे से आपने 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 आपका cos x, 3 cos x + 2 sin x (dx). अब इस ब्रैकेट को आपको टी मानना है, तो माना 3 cos x + 2 sin x = t। अब जो टी मानते हैं उसका क्या करते हो, अवकलन करते हो, अवकलन करने के बाद में dx की वैल्यू निकालते हो, वही कम करिएगा यहाँ पे, 3 cos x का क्या होता है अवकलन, cos x का होता है -sin x, अवकलन ध्यान रखना, अवकलन की बात कर रहा हूँ, cos x का अवकलन -sin x,
तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ साइन एक्स, ये लिख दिया मैंने, प्लस ये टू है और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स होता है, ये कॉस एक्स आ गया। इस पूरे के बाहर क्या डी एक्स जुड़ जाता है, इधर डी टी आ जाता है, और डी एक्स की यदि वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा डी टी बटे ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। तो आपको मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, घुमा के पहले इसे लिख दे रहा हूँ, इसे बाद में लिख दे रहा हूँ, बात तो वही आएगी। तो टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, ये पूरा का ऐसे इस तरीके से लिख दिया, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, यानी इस वाली समीकरण में रखोगे तो टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बट्टे, ये दो मैंने बाहर ले लिया एक बट्टे दो करके, कोई दिक्कत, ये यानी नीचे वाला नीचे ले लिया। अब ये कितना, ये आपने टी मान लिया और ये आपका डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी बट्टे टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, ये आ गया। अब दिखाई दे रहा होगा ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे को काट देगा, कट गया ना, कट गया, ये दोनों के मान बराबर है, ऊपर नीचे कट गया। अब देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, वन अपॉन टू वन अपॉन टी इंटू टी टी, और वन अपॉन टी का क्या होता है समाकलन आप जानते हो, वन अपॉन टी का लॉग टी होता है, लॉग टी आ गया प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दीजिएगा आप वन अपॉन टू लॉग, और टी की वैल्यू कितनी है टी ये माना था आपने, क्या माना था थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी बहुत प्यार से आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने नए सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है। अब 25वें सवाल क्यों आते हैं, 24 के बाद में कौन सा सवाल, 25वां सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और करना, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। वो क्या देखिएगा, यदि मैं इसको ब्रैकेट वाले को टी मानने की मैंने बताई थी बात, तो वन माइनस टी को मैं आपको क्या मान लूँ, वो टी मान लीजिए आप, मानो ठीक है, वन माइनस टेन एक्स को मैंने क्या मान लिया टी मान लिया, तो करिएगा वन का जीरो हो जाएगा, इसका अवकलन कितना हो जाएगा टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है अवकलन, इंटू डी एक्स आ जाएगा इधर टी टी आ जाएगा, और तो डी एक्स की जो वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा डी टी बट्टे माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये टी स्क्वायर हो गया क्योंकि ये तो पूरा टी मान लिया और टी का स्क्वायर हो गया, इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी बट्टे माइनस सेक स्क्वायर एक्स। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ये ब्रैकेट वाला आपने टी माना है, ये वन माइनस एक्स तो टी आ गया क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, टी का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स है। अब दिखाई दे रहा होगा आपने क्या चीज़ सीखी है कि ये एक्स वाला पद तो कट जाता है, देखो हर जगह कट रहा है टी टी में बचा है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह ऐसा आ रहा है, ये कटेगा कैसे, ये इस तरीके से कटेगा, आपको दिखाई दे रहा है कि सेक है ये कॉस है, तो या तो कॉस स्क्वायर को सेक से काट दीजिए, क्यों, क्योंकि कॉस बराबर क्या होता है वन अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वेयर थीटा, क्यों, क्योंकि वन अपॉन कॉस बराबर होता है सेक थीटा, तो सीधी सीधी बात है ये वन अपॉन कॉस दिखाई दे रहा है तो इस टोटल की जगह पर ऊपर सेक स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, या वन अपॉन सेक स्क्वेयर थीटा की जगह पर टेन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, तो आप इसको काट दीजिए, इसको कैसे काटोगे, वन अपॉन कॉस की जगह पर ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, समझ में आई नहीं आई बात, सॉरी ये इसकी जगह पर आपका ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर हो जाएगी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे नीचे टी स्क्वायर बचा इंटू डी टी बट्टे माइनस के सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर का एक्स कट गया, माइनस मैंने बाहर ले लिया वन अपॉन, अब इसको टी को भी ऊपर ले जाइएगा, जो टी के ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस के टू इंटू डी टी, अब इसका समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, अब इसका आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, और नीचे ये माइनस वन तो ऊपर वाला है और टी इसमें से जाएगा तो ये भी माइनस वन हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस सी आपका जुड़ा हुआ है, टी की पावर माइनस वन आ गया। मैं इसको थोड़ा सा आगे करके लिख दे रहा हूँ, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको क्या दिखाई देगी ये टी की पावर माइनस वन, ऐसा दिखाई देगा टी की पावर माइनस वन
प्लस सी दिखाई देगा, और माइनस वन को उतार दीजिए नीचे प्लस सी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस से नीचे आ गया, और टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी थी, वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए बातों को? देखिएगा यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, और वन अपॉन कॉस को मैंने क्या बोल दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटे टी स्क्वायर, इस तरीके से ये आया है आपका इसकी जगह पर, आप इसका ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ या आप यहीं पर बढ़ा सकते थे आगे, के वन अपॉन सेक स्क्वायर कॉस है, कॉस को ऊपर ले जाओगे तो वही चीज़ सेक आ जाती, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये समझ में आ गया। तो अब आगे देखिए 26वें सवाल पे आ गए, और देखिए ना कॉस के साथ में जो होता है यानी एंगल होता है उसको टी मानते हैं, तो हमने क्या मान लिया, माना अंडर रूट एक्स बराबर टी मान लिया, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन करते हो तो कितना आता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, हमने ये पहले बता दिया है, जिसने नहीं देखी है वीडियो पुरानी वीडियो देख ले, कि अंडर रूट एक्स का यदि अवकलन होता है वो किस तरीके से होता है, चलो ये यहीं पे बता देने कि एक्स की पावर एक बट्टे दो होता है, और अवकलन करते तो ये घात आगे आ जाती है, क्योंकि एक्स की पावर एन का अवकलन करते हो तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाता है, तो एक बट्टे दो आगे आ जाएगा, एक बट्टे दो में से वन जाएगा तो माइनस के एक बट्टे दो बचेगा, माइनस के एक बट्टे दो का मतलब कितना हो जाता है, नीचे जाके प्लस के एक बट्टे दो, और एक बट्टे दो का मतलब अंडर रूट, इसीलिए एक बट्टे अंडर रूट क्या आ जाता है, टू आ जाता है, ठीक है। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, टू अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। आपको जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इस बात को समझ लेना कि एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, टू अंडर रूट एक्स आता है, ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉस टी बटे अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू अंडर रूट एक्स इंटू डी टी, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, दो मैंने बाहर ले लिया, क्या आ गया, कॉस टी इंटू डी टी, और कॉस टी का क्या होता है, देखना साइन का माइनस कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, तो देखिएगा टू साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दी टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अंडर रूट प्लस सी, आंसर क्लियर होगी बात, ये क्लियर होगी तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चैनल को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।